जी हाँ, ऐसा गाना आ रहा है कि लोगों के मन में छाप छोड़ जाएगा। एक गाने ने तो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि उसके आसपास भी कोई नहीं जा सकता, और दूसरे गाने की हो रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, गाने का नाम है लहे लहे रंगम सलवारा। जहाँ एक तरफ पवन सिंह पर आरोप लग रहे हैं, वहीं पे पवन सिंह के बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। पूरा वीडियो देखें, किसकी बोलती बंद करने वाले हैं पवन सिंह। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए खबर पे बात करते हैं। पवन सिंह का गाना 13 मिलियन चला गया है, और लोगों के बात ये कह सकते हैं ना, कहा जाता है ना कि जब दूसरे की कामयाबी भी दूसरे के पेट में दर्द होने लगती है। एक तरफ अक्षरा सिंह कुछ और बोल रही हैं, बाकी स्टार कुछ और बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको तो जलन हो ही रही है। जहां किसी के एक गाने नहीं आ रहे और किसी के 50 गाने आके भी उतने व्यूज नहीं ला पाए, तो किसी के एक गाने ने ही धमाका कर दिया। वैसे पवन सिंह अपने भारत माता की शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं और लगातार अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इसी बीच बहुत सारी फोटोज़ और वीडियो भी शेयर की जा रही है, और आपको बता दें कि गाना जो आ रहा है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे, जिस गाने का नाम है कि लहे लहे रंगम सलवारा, जिसमें फिर से हमें पवन सिंह और डिम्पल सिंह की वही जोड़ी देखने को मिलेगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम तो यही कहेंगे कि हमें भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए हमें भोजपुरी के लोगों को साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोग एक दूसरे की कामयाबी से जलते हैं। आप देख सकते हैं पवन सिंह ने लाइव आकर बहुत अच्छे से सबको समझाया, लेकिन किसी के दिमाग में यह बात घुसती ही नहीं है। सबको पता नहीं क्या हो गया है, सब एक दूसरे को पीछे करने में ही लगे हुए हैं। पवन सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे भी अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कही थी कि अरे आप जिसके फ़ैन हो उसकी बड़ाई करो ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो